कि हिंदी विषय की वन पथ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे बड़े ही सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है। आइए हम लोग देखते हैं वन पथ। देखिए मैं आप लोगों को एक बार अपने स्वर में गा के सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक अक्षर और एक एक शब्द कि मैं आप लोगों को अर्थ बताऊं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या नगरी की महारानी और जनकपुरी मिथिला की राजकुमारी सीता जी का वर्णन किया है, जब सीता जी प्रभु राम जी के साथ वनवास के लिए अयोध्या नगरी के ड्योरी को घर से अपने कदम को बाहर निकाला था। उस वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सवैये में उनका बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है, वो बताया है। आइए पुरते निकसी रघुबीर मधु धर धीर दये मग में डाग दे, पुरते निकसी रघुबीर मधु धर धीर दये मग में डाग दे, झलकी भरी भाल कनी झलकी पुट सूख गए मधुरा फिर बूझत है अब चरणों के दी पर कुटी करी हो कितने तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अतिचार चली जल छे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पूर्ते अयोध्या नगरी से राम की पत्नी रघुवीर मधु यानी राम की पत्नी जब अयोध्या नगरी से निकली तो धर धीरे से रखी दय मग में डर गई, मार्ग जब सीता जी ने अर्थात प्रभु राम की पत्नी जब मार्ग दो कदम दो पैर रखे तो उन्होंने बड़ा धीरे से रखा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ये जानती थी ये जो यात्रा है, जो यात्रा मैं प्रभु राम जी अपने पति के साथ करने जा रही हूं, ये यात्रा कोई एक दिन दो दिन की नहीं, ये यात्रा 14 साल की है और न जाने कितने साल लग जाएंगे, लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तमाम विचारों को सोचकर सीता जी अपने पैर को अयोध्या नगरी के महल से बाहर रखी थी। झलकी भर भाल कनी झलकी झलक गया दिखाई दे दिया, सीता जी जब अयोध्या नगरी से दो चार कदम ही आगे बढ़ी थी कि उनके माथे पर पानी की बूंदे पसीने टपकने लगे, पुट सूख गए मधुरा धर रे राम की आंखों में चार चली जल रहे
गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु राम जी के साथ वनवास के लिए मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी सीता जी जब मार्ग दो पैर दो कदम रखती हैं तो उनके माथे पर पसीना पसीने की बूंद टपकने लगती है और उनके जो मधुर होठ हैं, जो कोमल होठ हैं, वो दोनों पट सूख जाते हैं। और सीता जी अपने पति प्रभु श्री राम जी से पूछती है, अभी हमें और कितना दूर चलना है और हमें कुटिया कहाँ बनाएंगे, हम कुटिया कहाँ बनाएंगे। इस बात को सुनकर प्रभु राम जी जब सीता की ओर मुड़ते हैं, देखते हैं कि सीता जी बहुत व्याकुल हो गई हैं, पसीना टपक रहा है, अर्थात दिखने में सीता जी बहुत ही थक चुकी हैं। यह दृश्य देखकर प्रभु राम जी के सुंदर आंखों में आंसू प्रभावित होने लगता है। प्रभु राम जी सोचते हैं कि सीता जी कहाँ मिथिला की राजकुमारी, कहाँ वो कभी नंगे पांव घूमती थी, लेकिन आज हमारे साथ वो नंगे पांव कंकड़ों में चल रही। आइए हम लोग दूसरे सोये का दूसरे सोये को पढ़ते हैं। देखिए वो संत सीता जी ने क्या कहा कि जल को गए लखन है लईका परिखो पिय छा घड़िक है घाड़ अपोच बसे बयारी करो अरुपाय पखारियो भो भरी घाड़े अतुलसी रघुबीर प्रिया श्राम जानकी नाह को नेह लखियो पल को तन बारी बिरोचन पाढ़े। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता जी अपने पति प्रभु राम जी से क्या कहती हैं, आइए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखिए कि लक्ष्मण जी अभी लड़का है, लक्ष्मण जी अभी लड़का है, जल को गए लखन है लईका। लक्ष्मण जी सीता जी के पति राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी अभी क्या है लखन है नहीं, लक्ष्मण जी अभी बच्चे हैं, लड़के हैं और पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए हे प्री हे स्वामी हमें परिखो पी है, पी मतलब हे स्वामी हमें इंतजार कर लेना चाहिए, छाव घड़ी कुछ पल हमें किसी छाव में किसी पेड़ की छाव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, हे स्वामी हमें किसी वृक्ष की छाव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेना चाहिए। बयार करो और सीता जी कहती है हे स्वामी आपके पोच पसे हो आपके चेहरे जो पसीने दिखाई दे रहे हैं उसे हम पोछ देंगे और बयार करो हवा कर देंगे ताकि सूख जाएगा और पाए पखारे और आपके पांव को हम धुल देंगे, आपके पांव हम क्या कर देंगे पखार देंगे धुल देंगे, जो रेत पर चलने के कारण गर्म रेत पर चलने के कारण जो आपके पांव को मिट्टियां जम गई उनको हम धुल देंगे। तुलसीदास यहां पर कहते हैं कि रघुवीर पिया सर जान, रघुवीर मतलब राम जी, प्रभु राम जी पिया मतलब अपनी पत्नी के शर्म मतलब थकान को जान के जानकर बैठी विलंब लो बैठ कर देरी करने लगे, लौ बंधन काट उनके पैरों से काटे चुन चुन कर निकालने लगे और जानकी नाह को नेह लगी, जानकी ने नाह मतलब अपने पति अपने स्वामी, जानकी ने जब अपने पति अपने स्वामी किस ने प्यार उसने को देखा तो पुलकों तल उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांच से भर गया और बाल विलोचन भरे उनकी आंखों में सीता जी की आंखों में प्रेम की आंसू बहने लगे। आइए एक बार फिर इसका पुनः व्याख्या करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने पति राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी के बच्चे हैं और वो पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए हमें किसी वृक्ष की छांव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेना चाहिए। दूसरी लाइन
सीता जी कहते हैं कि आपके चेहरे पर जो पसीने टपक रहे हैं उनको हम पोंछ देंगे और हवा कर देंगे ताकि वो सूख जाएं, और आपके पैरों पर ये जो गरम गरम रेत और मिट्टियों के चलने के कारण जो पांव से मिट्टियां रेत जम गए उनको हम क्या करेंगे, झाड़ देंगे। फिर इसी लाइन देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम जी सीता जी को देख रहे, जान रहे सीता जी बहुत थक गई हैं, इसलिए वो उसी वृक्ष की छांव में बैठकर देरी करने लगे और उनके पैरों से चुनचुन कर कांटे निकालने लगे। इस दौरान सीता जी अपने स्वामी राम जी की इस नेह और प्यार को देखकर सीता जी का जो शरीर है वो पुलकात वो रोमांच से भर जाता है और सीता जी की आंखों में प्रेम का जो आंसू है बहने लगता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वनपथ का ये दो सोहिया आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए सोहिये तीन पर बातचीत करते हैं। देखिए वनपथ में सोहिया नंबर तीन पर लिखते बातचीत करते हैं कि रानी मैं जानी जानी महापिपाहन होते कठोर हियो है, राज हूं काज अकाज न जान्यो, कहियो दिए को जिन कान कियो है, और ऐसी मनो
इन्हें वनवास भेजने के लिए उसका हृदय पसी जा रहा है। और राजा को मैं क्या कहूं, राजा भी काज और काज अच्छा बुरा भी नहीं जाने, बस पत्नी की बात सुनी और उन्हें वनवास के लिए हां कह दिया। फिर क्या कहती है कि हे रानी, ये ऐसी सुंदर मूर्ति है, जब ये अपने लोगों से बिछड़े होंगे तो इनके चाहने वाले लोग कैसे वहां जी रहे होंगे, ऐसे लोगों को तो आप ही बसा कर मैं इनसे जोग करूं और इन्हें किसने वनवास दे दिया, किसने वनवास दे दिया। आइए हम चौथे सूर्य का रसमान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, देखिए, किसी सजटा पुर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बहुए, अतून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोहे, और सादर बार ही बार सुभाय चिते, अब तुम ते हो हमरो मन मोहे, फिर बूझती गाम बधु सियसो कहो सांवरे से सखीरावरे को है। शीस जटा उन बाहु विशाल, यहां पर एक ग्राम मधु जिस गांव से राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए जंगल को लौट रहे हैं, उस गांव की जो मधु बहुए हैं उन्हें देखकर सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि शीश जटा, जिसके शीश पर बालों की जटा बंधी हुई है, और हृदय बाहु विशाल क्या है, बहुत बड़ा है, विशाल है, चौड़ा है, विलोचन लाल तिरछी से भौवे, जिनके चेहरे की जे भौवे हैं तिरछी है, जिनकी आंख क्या है लाल सुंदर है, और वो परिचय दे के पूछती है, परिचय दे रही है कि जिसके सिर पर जटा है, बालों की जटाएं बंधी हुई है, जिनका हृदय बहुत ही विशाल है, और आंखें लाल है सुंदर है तिरछी से भौवे है, और अपने तू नजरासन मान भरे, और वो क्या है बाण और धनुष धरे हुए हैं, और तुलसीदास जी कहते हैं वन मार वन के मार्ग जाते हुआ सुटी सोहे के बड़ा ही सुंदर शोभायमान हो रहा है, यानी जो सुंदर है राम लक्ष्मण सीता जी बड़े सुंदर है, और वन मार्ग जब ये जाते हैं तो उस समय उस वक्त का भी माहौल बहुत सुंदर सा दिखता है। फिर कहती है कि सादर बात ही बात सुधार, सादर आदर के साथ बार बार जिनका स्वभाव जो है जिसे देखकर तुम तो सखी कहती, जिसका स्वभाव देखकर तुम ही नहीं हमरो मन होए, तुम्हारा ही नहीं मेरा मन भी तुम्हारे जैसा मोह रहा है। पूछती ग्राम बहु शीर्षो, गांव की एक बहु पूछती है सीता जी से कि जो सामने से है, हे सखी, ये रावणे को है, ये तुम्हारे कौन है, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की बहुएं सीता जी से पूछती हैं राम जी का बच्चे, राम जी के बारे में जानना चाहती हैं, वो कहती हैं, संकेत दे रही हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका हृदय विशाल है, जिनकी आंखें सुंदर है, लाल है, भौवें तिरछी है, जो बाण और सरासन सब रखे हुए हैं, और जो मार्ग पर चल रहे हैं कितना सुंदर लग रहे हैं, तो सनत जी कहे कितना सुंदर लग रहे हैं, वन मार्ग को सुशोभित कर रहे हैं, और बार ही बार बड़े आदर के साथ बार बार उनका जो स्वभाव देखकर तुम्हारा ही मेरा मन भी मोह रहा है। और गांव की जो बहू है वो सीता जी से कहती है कि हे सखी, ये तुम्हारे सामने से ये कौन है, उनका परिचय जानना चाहती है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी सोइए तुलसीदास जी ने सोए पांच में क्या बात की है, देखिए
कि जब ग्राम बंधुओं के द्वारा सीता जी से राम जी का परिचय पूछा जाता है तो सीता जी किस तरीके से राम का परिचय देते हुए आगे बढ़ती है, आइए देखिए क्या कहते सीता जी। पूछा सीता जी ने क्या कहा कि सुनी सुंदर बहन सुधार सुसाने सयानी है जानकी जानी भरी फकीर छे करी नैन दे सैन तिने समझाए बचो उसकाय चली अतुल सीते ही